हाय, हर तरफ इलाहाबादी अमरूद दिख रहे हैं मुझे। स्पीड आप लोग देख सकते हो मेरे कैमरे पे। यार अपनी बाइक को देख लो, सामान पूरा लोडेड है। हजरतगंज चौराहे पहुंच गया हूँ भाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, पता नहीं मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। तो टुडे आई एम ऑन माय हिमालयन और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इससे मैं किन शब्दों में बताऊँ कि आगे क्या होने वाला है। एक्चुअली मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, थोड़ा कुछ काम आ गया है तो बस ऑफिस जाऊंगा। एक दो कुछ पेपर वर्क करने हैं ऑफिस में, उसके बाद मैं सीधे इलाहाबाद निकल जाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल तो पहले ऑफिस जाते हैं, जल्दी जल्दी वो पेपर वर्क करते हैं और फिर निकलते हैं बैक ऑन द रोड। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे, बताते हैं कि भाई एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या है, क्यों जा रहा हूँ मैं इलाहाबाद। ये देखो गांव की हरियाली देखोगे, खेत ही खेत भाई साहब, खेत ही खेत, इधर भी खेत, इधर भी खेत। 2 hours later Right now I'm on Agra Lucknow Expressway और मेरी स्पीड आप लोग देख सकते हो मेरे कैमरे पे, that is 110 kilometers per hour, somewhere between 110 kilometers per hour and 120 kilometers per hour। हवा के झोंके आ रहे होंगे, मे बी इस वजह से थोड़ी आवाज़ अनक्लियर हो, लेकिन सीरियसली गाइस मैं फर्स्ट टाइम इतनी तेज़ इस हाईवे पर चला रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लाइक सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये एक अलग एक्सपीरियंस है जो मैंने आज तक कभी भी अपनी लाइफ में नहीं लिया, ये फर्स्ट टाइम मैं ये एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। ऐसे नए नए एक्सपीरियंसेस आपको अपनी लाइफ में लेने चाहिए भाई, लाइफ बहुत छोटी है, जितने एक्सपीरियंसेस लेने हैं आपको नए नए ले लो भाई, ले लो। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द एक्सप्रेसवे जहां आप कितनी स्पीड चलाना चाहो उतनी स्पीड चला सकते हो। दिस इज नो मैन्स लैंड मैन, सीरियसली आप कितनी तेज भगाना चाहो भगा सकते हो। मैं तो अभी 100 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा हूँ, आप लोग कितनी भी स्पीड भगा सकते हो भाई, लेकिन कैमरेज का देख के चलना क्योंकि वरना चलान बनान कट जाएगा। तो मेरा नाम मत लगाना कि भाई आदर्श बालक ने बोल दिया कि कितनी भी स्पीड चलाना है, तो भाई चला लिया हमने और चलान कट गया। तो ऐसा नहीं है भाई, कैमरा जहाँ पे है थोड़ा स्लो कर देना और अच्छे से चलाओ, बढ़िया से चलाओ, कंट्रोल्ड वे में चलाओ। 500 की स्पीड में चलाना है 500 की स्पीड में चलाओ, लेकिन गाड़ी कंट्रोल में होनी चाहिए बॉस, क्यों? सही बात है भाई। चलो अब धीरे धीरे लखनऊ पहुँचते हैं इस हाईवे से, बहुत लंबा रास्ता है, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स का ये हाईवे है। यहाँ चलते हैं, लखनऊ पहुँचते हैं। लखनऊ में हमारा वेट कर रहा है कौन? मेरा जिगरी दोस्त गोलू भाई, आयुष भाई मेरा वेट कर रहा है वहाँ पे, जो हर बार की तरह मेरा वेट करता है वहाँ पे। उससे मिलेंगे और दिल के कुछ हाल बांटेंगे। आप लोग भी बने रहिएगा रास्ते में, तो ठीक है रास्ता एंजॉय करो गाइस, मिलते हैं आप लोगों से लखनऊ पहुँच के। तो गाइज आई एम ऑन आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, अभी अभी टोल पे पहुंचा हूँ। तो ये एक एक्सप्रेस वे है जहाँ पे अपनी टू व्हीलर का टोल लगता है, और अपनी टू व्हीलर को देख लो यार, अपनी बाइक को देख लो, सामान पूरा लोडेड है। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर्स है लखनऊ। तो पहले मैं लखनऊ जाऊंगा, वहाँ पे अपने गोलू भाई से मिलूंगा, वहाँ पे बैठ के डिनर विनर करेंगे, खाना पीना एंजॉय करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कितना एग्जैक्टली 280 किलोमीटर्स है मोहन रोड। मोहन सबको पता होगा, जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं लखनऊ वाले उनको पता होगा कि मोहन रोड कौन सी है। तो बस अपन यहाँ पे टोल कटाते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। लाइक सीरियसली दिस जर्नी इज एपिक जर्नी, वन ऑफ द बेस्ट जर्नी ऑन दिस एक्सप्रेस वे। सीरियसली इतना मजा कभी नहीं आया इस एक्सप्रेस वे पे। इस लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे मैंने पहला ब्रेक अभी लिया है। यहाँ पे टैंक को रिफ्यूल कराना बनता है बॉस, क्योंकि मैं बहुत ओवर स्पीडिंग करके आया हूँ तो टैंक खाली हो रहा है। तो हेलो
हूँ जी, विद द मिरेकल ऑफ टाइम मैं पहुँच गया हूँ लखनऊ, आपके अपने शहर लखनऊ में। तो इसीलिए मुस्कुराइए, क्यों? क्योंकि आप हैं लखनऊ में। फिलहाल अभी हजरतगंज के बीच से होते हुए निकल रहा हूँ। आयुष ने मेरे अपने लिए एक आशियाना बुक कर लिया है, उसी आशियाने पे पहुँचेंगे, रात में वहीं कुछ घंटे बिताएंगे, आराम करेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत नींद आ रही है। मैंने सोचा डायरेक्टली इलाहाबाद के लिए निकलना सही होगा नहीं, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं यार, थोड़ी देर खाना वाना खा के आराम आराम कर लेते हैं। दो चार घंटे बाद जैसे ही नींद वींद खुलेगी और अच्छा लगेगा अपने को, तो अपन निकल जाएंगे, है ना। तो अभी फिलहाल हजरतगंज के बीचों बीच से गुजरते हुए मार्केट की कुछ झलकियां आप लोगों को दिखाते हुए। हमारी ये जो रेड लाइट है ना, ये बापू भवन के सामने है, सेक्रेटेरिएट इसी को कहते हैं। आगे में कुछ सेक्रेटेरिएट का ही एक बिल्डिंग है सॉर्ट ऑफ, वो जो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है। और ये है विधान भवन का प्रवेश द्वार नंबर 5। भैया लखनऊ में आते ही ना एक आपको अलग सी नवाबों वाली फीलिंग आ जाती है कि भैया सेक्रेटेरिएट तो ये तो वो, ये तो योगी जी और दुनिया और नारी। ओहो, देखो मुझे लेफ्ट मुड़ना है, मैंने बातों बातों में ध्यान नहीं दिया और इंडिकेटर भी नहीं दिया। वो देखो अभी मैं इधर उधर निकल जाता, मेरे पीछे वाले मुझे गरिया रहे होंगे, सॉरी भैया सॉरी सॉरी। वापस से सही दिशा में आते हुए अभी शायद आगे योगी जी का घर भी दिखेगा अपने को। अपने लेफ्ट हैंड साइड योगी जी का ऑफिस चल रहा है भाई, विधान भवन, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। यार ये जगहें इतनी तगड़ी है ना लखनऊ की, कि मेरे को लगता है मैं इधर ड्रोन श्रोन उड़ा लूँ कसम से। रुको भाई साहब कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी हाँ, यूट्यूब। आदर्श बालक, ये कौन सा चर्च है? हजरतगंज का चर्च। The next day. Hello guys, good morning, welcome back again. Actually हुआ यूं कि कल जैसे ही अपने होटल पहुँचे ना, I just crashed into bed. थोड़ी देर बातचीत हुई आयुष से, उसके बाद तो भाई साहब जो नींद आई है। अभी बस सुबह उठा मैं और नहा धो करके ड्रेसअप होकर के सामान बांध करके निकल गया। टाइम हो रहा है सुबह के 4:50 और मैं निकल चुका हूँ लखनऊ टू इलाहाबाद के लिए, लखनऊ टू प्रयागराज के लिए। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर अब बाकी है रास्ता। अभी तो फिलहाल मैं लखनऊ में ही हूँ, शहीद पथ पे। गाइज आई एम वेरी सॉरी, कल आयुष के साथ कुछ भी शूट नहीं कर पाया, क्योंकि रियली बहुत ज़्यादा थका हुआ था। बटोही तो पूरी तरीके से बंद है। फालतू ही मैंने यू टर्न लिया, तो यहाँ तो अपने को कुछ नहीं मिलेगा बॉस। तो ऐसा करते हैं, निकलते हैं थोड़ा सा आगे, फिर जहाँ पे सही सा कुछ दिखेगा ना रोक लूँगा, क्योंकि अब पीने का मन कर रहा है चाय। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच गया हूं इलाहाबाद प्रयागराज, सिटी के अंदर एंटर कर चुका हूं मैं। यहां से मेरा घर ऑलमोस्ट 15 मिनट की दूरी पे है आई गेस, अभी जहां मैं हूं वहां से। तो आई थिंक आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ना, अलीगढ़ से लखनऊ फिर लखनऊ से इलाहाबाद, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। तो आई थिंक इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। एंड करने से पहले आप लोग को एक चीज़ दिखा दूँ, ये देखो ये है मियो हॉल चौराहा। जो इलाहाबाद के हैं ना उन्हें थोड़ा सा रिलेटेबल लगेगा, जो नहीं जानते उनके लिए भाई सॉरी, ऐसी चीज़ दिखाई मैंने आप लोगों को। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो, बाय।